नमस्कार, राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी की एक मामले में मुश्किलें भरती दिखाई दे रही हैं। दरअसल दिया कुमारी के खिलाफ राजसमंद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका पेश की गई है, जिसमें उन पर झूठा शपथ पत्र पेश करने और कुछ चीजें छुपाने का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस को 11 मार्च तक जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश रखने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें ये बताया गया है कि दिया कुमारी ने निर्वाचन पत्र पेश करने के दौरान कई चीजें छुपाई थी। याचिका में ये भी बताया गया है कि जयपुर के पारिवारिक न्यायालय ने उन्हें बच्चों की कस्टडी सौंप रखी थी, जिस बात की जानकारी सांसद ने अपने निर्वाचन पत्र में नहीं दी थी। वही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिया कुमारी का वोटर लिस्ट और टिकट में नाम अलग अलग है, इसके अलावा नामांकन क्रम संख्या भी गलत है। ऐसे में याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर दिया कुमारी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर जांच जारी है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम जानकारी से अवगत रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।